हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है Realme 9i, जो कि Realme का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है और अपने साथ काफी सारे अमेजिंग फीचर्स लेके आता है। आज इस वीडियो में ऐसे ही 40 से ज्यादा अमेजिंग फीचर्स आपको बताऊंगा, जिनकी मदद से आप इस फोन को और भी बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और मुझे बताइएगा नीचे कॉमेंट्स में कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बस सबसे पहला फीचर आपको बताना चाहूंगा, फ्लोटिंग विंडोज का सपोर्ट। इस फोन में अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसके बाद रिसेंट्स में जाते हैं, तो ये दो डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आप फ्लोटिंग विंडोज सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप देखेंगे इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हैं। इसको इस तरीके से अगर आप चाहें तो रिसाइज भी कर सकते हैं। अगर आप एक हाथ से फोन को यूज करते हैं तो बहुत बार आपको ये जो ऊपर वाले आइकन होते हैं उनको सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए इस फोन में एक बहुत ही अमेजिंग जेस्चर आपको मिलता है। अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके यहाँ पर मोर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का ऑप्शन मिलेगा। इसको आपको एनेबल कर लेना है। इसके बाद अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो आपके ये जो सारे आइकन हैं वो नीचे आ जाते हैं और किसी भी आइकन को सेलेक्ट करना काफी आसान हो जाता है। किसी भी आइकन के ऊपर आप उसको छोड़ दीजिए, वो ऐप या वो आइकन जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप लॉक स्क्रीन के ऊपर रैंडम वॉलपेपर्स यूज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस फोन में ग्लांस और Realme का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके मोर के अंदर जाना होगा और यहाँ पर नीचे आपको ग्लांस और Realme का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप टर्न ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंटेंट की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे वॉलपेपर्स आपको देखने हैं, कब कब अपडेट करने हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। होम स्क्रीन सेटिंग्स में ही यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू वेकअप के ऑप्शंस भी मिलते हैं। अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को एनेबल करते हैं तो आप ये पावर की का यूसेज काफी कम कर सकते हैं। फोन को लॉक करने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे डबल टैप कर सकते हैं और अनलॉक करने के लिए दोबारा से इस तरीके से डबल टैप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो आपको एक ग्लोबल सर्च का फीचर देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आपको इसको यूज नहीं करना है तो आप स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन पैनल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन के ऑप्शन को नोटिफिकेशन डोर के ऊपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप नीचे स्वाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन पैनल जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल नया फीचर जो इस फोन में आपको मिलता है वो है बैकग्राउंड स्ट्रीम का। इसकी मदद से आप YouTube की वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं विदाउट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, अभी अगर आप देखेंगे मैंने YouTube के अंदर एक वीडियो प्ले किया है और ये जो अकाउंट है वो आप देख सकते हैं नॉर्मल YouTube का अकाउंट है, प्रीमियम अकाउंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज करके म्यूजिक को प्ले करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से बैकग्राउंड स्ट्रीम के ऑप्शन को प्रेस कर सकता हूँ। अभी YouTube जो है वो बैकग्राउंड में प्ले हो रही है। मैं आपको यहाँ पर ऑडियो इंक्रीज करके दिखाऊंगा और फोन को लॉक भी करके दिखाऊंगा, आप देख पाएंगे कि YouTube जो है वो चलती रहेगी। ये जो ऐप के आइकन्स हैं, इनका शेप और साइज अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी आपको मिलता है। होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके अगर आप आइकन्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप मटेरियल स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, पेबल स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम के अंदर अगर आप जाएंगे तो अपना कोई स्टाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको कॉर्नर्स को कितना राउंडेड करना है, फोरग्राउंड को कितना बड़ा रखना है, आइकन के साइज को कितना बड़ा छोटा करना है या फिर ऐप नेम जो शो होता है उसको कितना छोटा बड़ा करना है, वो सब चीजें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इस फोन में जो डार्क मोड है वो भी आपको काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल मिलता है। अगर आप डार्क मोड को एनेबल करते हैं और इसके ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको डार्क मोड सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो आपको कितना ज्यादा डार्क ब्लैक चाहिए। एनहेंस में बिल्कुल पिच ब्लैक रहेगा, मीडियम में थोड़ा सा कम हो जाएगा, जेंटल में काफी ज्यादा ग्रेइश हो जाएगा। इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और डार्क मोड को आपको वॉलपेपर्स के ऊपर, आइकन्स के ऊपर लगाना है या नहीं, ये सब चीजें भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आप यूज करते हैं उसका ऑप्शन भी आपको फोन में इंटरनली मिल जाता है। अगर आप अगेन कंट्रोल सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर लॉन्ग टैप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन जो है वो सिस्टम साउंड और माइक्रोफोन साउंड दोनों रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है और आप इन दोनों को एक साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन हालांकि आप मैक्सिमम HD इस फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिटरेट मैक्सिमम 16 Mbps है और फ्रेम रेट जो है वो
तो आप मैक्सिमम 60 FPS तक का रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस फोन में आपको डायरेक्ट वाईफाई टेथरिंग का फीचर भी मिलता है, मतलब के वाईफाई ऑन होते हुए अगर आप हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं तो आपका वाईफाई बंद नहीं होता, बल्कि हॉटस्पॉट की मदद से आप अपने इस वाईफाई को आगे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता या फिर आप अपने फोन को एज ए वाईफाई एक्सटेंडर यूज करना चाहते हैं, उन दोनों ही केसेस में ये ऑप्शन काफी यूजफुल है। अगर आप एक वोल्टी नेबल सिम यूज करते हैं तो इस फोन में आप नेटिव वीडियो कॉलिंग और वाईफाई कॉलिंग जैसी चीजें भी कर सकते हैं। नेटिव वीडियो कॉलिंग मतलब डायलर में कोई भी नंबर डायल करके आप डायरेक्टली यहां से ही वीडियो कॉल कर सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग अगर आपको इनेबल करना है तो आपको सेटिंग्स में सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा के अंदर सिम को सेट करना होगा और यहां पर आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस फोन में आपको काफी अमेजिंग क्वालिटी के लाइव वॉलपेपर्स भी मिलते हैं। अगर आप अगेन से होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप करके वॉलपेपर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो पहले तीन वॉलपेपर्स आप देख पा रहे हैं ये टाइम चेंजिंग वॉलपेपर्स हैं, मतलब कि दिन में क्या टाइम है उसके हिसाब से चेंज होते हैं। सुबह में आपको थोड़े ब्राइट मिलेंगे, सूरज वाले मिलेंगे, रात में आपको स्टार्स और थोड़े डिम देखने के लिए मिलेंगे। तो ये काफी अमेजिंग इंटरेक्टिव लाइव वॉलपेपर्स हैं जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस फोन के कुछ बेस्ट फीचर्स आपको यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर नीचे स्क्रॉल करने पर रियलमी लैब के अंदर मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहला अमेजिंग फीचर जो है वो है डुअल मोड ऑडियो का। इसकी मदद से अभी तो मैंने कोई ईयरफोन्स अटैच नहीं कर रखे, लेकिन इसकी मदद से आप एक ब्लूटूथ ईयरफोन्स और एक वायर्ड ईयरफोन्स दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फोन आपको बता रहा है कि आपको इन दोनों को अटैच करना पड़ेगा और आप दोनों में से गाइस एक टाइम पर म्यूजिक आउटपुट ले सकते हैं। अगर किसी टाइम पर दो लोग इस फोन पर कोई मूवी वगैरह देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, काफी ज्यादा अमेजिंग ऑप्शन है जो किसी और यूआई में आपको नहीं मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पर आपको स्मूथ स्क्रोलिंग का ऑप्शन मिलता है। इसकी मदद से आप जो स्क्रोलिंग का एक्सपीरियंस है उसको काफी ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं। स्क्रोल करके जब आप छोड़ते हैं कहीं पे, अगर आप इसको एनेबल रखेंगे तो वो एकदम से नहीं रुकता, मतलब जब आप छोड़ देते हैं उसके बाद धीरे से रुकता है, स्मूथली रुकता है, तो काफी बेहतर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। उसी के साथ यहाँ पर आपको स्लीप कैप्सूल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप रात को सोने के टाइम फोन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आप इस फोन में सेट कर सकते हैं कि मुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, और फोन उसके बाद आपकी सोने में हेल्प करता है। आप यहाँ पर ऐप अलो लिस्ट बना सकते हैं, मतलब कि किस किस ऐप को आपको अलो करना है, उसके बाद यूज करना, उस टाइम के बाद यूज करना। उसी के साथ यहाँ पर आपको ये जो डाउन टाइम लिमिट्स हैं इनको चेंज करने का लिमिट मिलता है। आप हर बार नहीं चेंज कर सकते, आप एक महीने में सिर्फ 3 बार इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर देता है अपनी स्लीप जो है उसको ज्यादा बेहतर शेड्यूल करने के लिए। सेटिंग्स में अगर आप वाईफाई के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे एडवांस सेटिंग्स के अंदर वाईफाई असिस्टेंट के अंदर आपको एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन डुअल चैनल एक्सेलरेशन का मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप वाईफाई और मोबाइल डाटा को एक टाइम पर यूज कर सकते हैं और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हैं। यहाँ पर जो एप्स आपको शो करेगा उन सब एप्स में इसका सपोर्ट आपको मिलेगा और ये लिस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप नई एप्स इंस्टॉल करते जाएंगे। सेटिंग्स में अगर आप पर्सनलाइजेशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको एक्सेंट कलर्स का मिलता है, मतलब ये जो नोटिफिकेशन पैनल में और टॉगल्स में ये जो ब्लू कलर आपको मिल रहा है इसको भी आप इस फोन में चेंज कर सकते हैं और अपने मन पसंद के किसी भी कलर में कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं और जो भी आप चाहें यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन पैनल के आइकन्स हैं इनका शेप भी चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ड्रॉअर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको 6 शेप्स मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर है, राउंडेड रेक्टेंगल है, ये हेक्सागनल है और ये राउंडेड स्क्वायर शेप आप एक बोल सकते हैं और ये एक डिफरेंट तरीके का शेप है। तो ये सब शेप्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सेटिंग्स में अगर आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको OSIE विजुअल इफेक्ट का मिलता है। अगर आप वीडियोस वगैरह फोन के ऊपर देखते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप उन वीडियोस का एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली फोन जो है वो आर्टिफिशियली उनके कलर्स को एनहेंस करने की कोशिश करता है ताकि आपको बेहतर दिखे उसके कलर्स और ओवरऑल आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर हो जाए। स्क्रीन कलर्स को चेंज करने के और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मोड के अंदर मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन कलर मोड मिलेगा। यहाँ पर विविड की जगह अगर आप चाहें तो जेंटल के ऊपर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ स्क्रीन रिफ्रेश रेट चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट के ऊपर सेलेक्ट किया गया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप 90 हर्ट्ज यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। सेटिंग्स के अंदर अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाते हैं
तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन आपको रिड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक का मिलता है, मतलब कि जब आप फोन को फुल स्क्रीन में यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि या तो आप कोई वीडियो देख रहे हैं या तो आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं, उस टाइम पर नोटिफिकेशन का जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि फोन समझ लेता है कि आप फोन को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा ही नोटिफिकेशन का पूरा साउंड सुने, तो आप इस ऑप्शन को यहां से डिसेबल कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर ही एक और अच्छा ऑप्शन आपको रियल साउंड टेक्नोलॉजी का भी मिलता है, जिसके अंदर से आप प्रीसेट्स को चेंज कर सकते हैं। आपको मूवी, गेम और म्यूजिक के ऑप्शंस मिलते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर इक्विलाइजर नहीं मिलता, जिसकी मदद से आप कस्टमाइज कर पाए साउंड के एक्सपीरियंस को, लेकिन कुछ प्रीसेट्स हैं, इनमें से अगर आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री सेव करने का भी ऑप्शन मिलता है। सेटिंग्स के अंदर अगर आप नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार के अंदर मैनेज नोटिफिकेशंस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मोर के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो आपके फोन के ऊपर जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी, फोन उनको यहाँ पर सेव करता रहेगा और पिछले लगभग एक दिन की नोटिफिकेशंस आपको सारे यहाँ पर सेव मिलेंगी। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर ही आपको स्टेटस बार को कस्टमाइज करने के भी काफी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि अगर आप बैटरी परसेंटेज देखना चाहते हैं, वाइट फोल्ड आपको नहीं दिखता, आप इनसाइड द बैटरी आइकन या फिर आउटसाइड द बैटरी आइकन देख सकते हैं। उसी के साथ अगर आप नेटवर्क स्पीड देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आप एनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ इवन आप यहाँ पर काफी सारे स्टेटस आइकन्स को डिसेबल कर सकते हैं, अगर आपको उनको जो है वो स्टेटस बार में नहीं देखना है। एक और अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपको मीडिया प्लेबैक कंट्रोल का मिलता है। जब भी आप किसी म्यूजिक वाली ऐप में साउंड प्ले करते हैं, तो यहाँ पर उस ऐप के साथ साथ आपको ऑप्शन मिलता है मीडिया डिवाइस को सिलेक्ट करने का। अगर आपने ईयरफोन्स अटैच कर रखे हैं लेकिन आपको स्पीकर्स के ऊपर प्ले करना है, तो वो चीज आप उस ऑप्शन की मदद से सिलेक्ट कर पाएंगे अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल रखेंगे। प्राइवेसी के अंदर अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऐप लॉक, हाइड एप्स और प्राइवेट सेफ जैसे ऑप्शंस भी मिलेंगे। अगर आप एप्लीकेशंस को या फिर अपनी फाइल्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, वो सब चीजें आप इन सब ऑप्शंस की मदद से कर सकते हैं। अगर आप नेविगेशन सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, तो आप सेटिंग्स में कन्वीनियंस टूल्स के अंदर नेविगेशन के अंदर जा सकते हैं। वाइट फोल्ड आपको यहाँ पर 3 बटन नेविगेशन मिलता है, लेकिन जेस्चर नेविगेशन भी आपको इस फोन में दिया गया है, जस्ट आप इसको यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आपको 1-handed mode का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप किसी टाइम के ऊपर एक हाथ से फोन को यूज करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से वो आसान हो जाता है। काफी सारे जेस्टर्स का सपोर्ट भी आपको कन्वीनियंस टूल्स के अंदर मिल जाता है। जेस्टर्स एंड मोशंस के अंदर अगर आप स्क्रीन ऑफ जेस्टर्स के अंदर जाएंगे, तो जब आपका स्क्रीन ऑफ रहता है, तब आप फोन के ऊपर कुछ ड्रॉ करके, कोई जेस्टर ड्रॉ करके कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वेकअप कर सकते हैं स्क्रीन को, कैमरा को ओपन कर सकते हैं, फ्लैशलाइट को ऑन कर सकते हैं, म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर अपना कोई कस्टम जेस्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। काफी सारे स्क्रीनशॉट जेस्चर्स का ऑप्शन भी आपको मिलता है। स्क्रीनशॉट से रिलेटेड जेस्चर्स हैं, जैसे कि 3 finger से अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 finger से टच एंड होल्ड करेंगे अगर आप, तो आप यहाँ पर एक पार्शियल स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, मतलब आपको स्क्रीन में कुछ एरिया कैप्चर करना है, तो वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। आपको इस फोन में स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट या फिर लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्क्रोल का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं, तो फोन जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्रोल करना शुरू कर देगा, और जहां तक भी आप चाहें फोन को स्क्रोल कर दीजिए, उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो एक लॉन्ग स्क्रीन को एक ही स्क्रीनशॉट में आप कैप्चर कर पाएंगे। कन्वीनियंस टूल्स के अंदर ही यहां पर आपको क्विक रिटर्न बबल का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं, उसके बाद गेम को मिनिमाइज करते हैं, तो गेम बंद होने की बजाय आपको एक बबल में शो होती रहती है, और जब भी आप गेम में वापस जाना चाहते हैं, तो आपको रिसेंट्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस बबल के ऊपर टैप कीजिए और आप वापस से उस गेम को जल्दी से ओपन कर सकते हैं। बेसिकली गेम में आप कुछ मिस नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी आप गेम में वापस जा पाएंगे। इस फोन में स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, हालांकि उसको बाय डिफॉल्ट डिसेबल करके दिया गया है। अगर आप इसको एनेबल करेंगे, तो आपको इस तरीके का एक साइड बार देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप कुछ शॉर्टकट्स प्लेस कर सकते हैं या फिर एप्स को रख सकते हैं, और बेसिकली शॉर्टकट्स की तरह अगर आप किसी चीज को यूज करना चाहते हैं, तो ये एक स्मार्ट साइड बार काफी अच्छा ऑप्शन है। इस फोन में आपको परफॉर्मेंस मोड भी देखने के लिए मिलता है। सेटिंग्स के अंदर अगर आप बैटरी के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर मोर बैटरी सेटिंग्स के अंदर आपको वो देखने के लिए मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये जो फोन है वो स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड के ऊपर रहता है, लेकिन अगर आप इसमें ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाली चीजें करना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए आप हाई परफॉर्मेंस मोड सेट कर सकते हैं। इसकी मदद से हो सकता है कि बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो या फिर फोन थोड़ा बहुत हीट हो, लेकिन आपको काफी बेहतर परफॉर्मेंस जरूर से देखने के लिए मिलेगी। ऐप क्लोन या फिर डुअल एप्स का ऑप्शन अगर आप यूज करना चाहते हैं, वो आपको सेटिंग्स में ऐप मैनेजमेंट के अंदर ऐप क्लोनर के नाम से मिलेगा। और एक अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, आप दूसरी एप्स को भी इस फोन में क्लोन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पेमेंट एप्स का क्लोन क्रिएट करना चाहते हैं, शॉपिंग एप्स का क्लोन क्रिएट करना चाहते हैं,
वो सब चीजें भी इस फोन में कर सकते हैं। वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन भी आपको इस फोन में मिलता है। अगर आप अबाउट फोन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर रैम की ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको रैम एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिलेगा। मेरे पास यहाँ पर 4GB वाला रैम वेरिएंट है और उस फोन में आप मैक्सिमम 3GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए गाइस कैमरा के कुछ अमेजिंग फीचर्स आपको बताता हूँ। कैमरा के अंदर अगर आप जाएंगे तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि इस फोन में वाइडफील्ड अगर आप फोटोज कैप्चर करते हैं तो हर फोटो 50 मेगापिक्सल की कैप्चर नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि हर बार एक हाई रेजोल्यूशन फोटो कैप्चर हो तो यहां पर नीचे ड्रैग कीजिए और यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल वाले मोड को ऑन कर देना है और इसकी मदद से आप हाई रेजोल्यूशन फोटोज ले पाएंगे। अगर आप पोर्ट्रेट मोड को यूज करते हैं तो इस फोन में आप वेरिएबल डेप्थ इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि बैकग्राउंड में कितना डेप्थ लेके आना है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये जो आइकन है अगर आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर बुके का परसेंटेज मिलेगा और इसको आप यहाँ पर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इस फोन में आपको प्रो मोड का ऑप्शन भी मिलता है जिसको आप एक्सपर्ट मोड भी बोल सकते हैं। हालांकि एक चीज ध्यान रखिए कि इस फोन में आप फ्रंट कैमरा या फिर वीडियोस मोड के लिए प्रो मोड को यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ रियर कैमरा के लिए आप इस प्रो मोड को यूज कर पाएंगे। हालांकि नाइट मोड अगर आप इस फोन में यूज करना चाहते हैं, नाइट मोड का सपोर्ट आपको रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों के लिए दिया गया है। इवन आपको यहाँ पर कुछ कलर फिल्टर्स भी दिए गए हैं जो कि अगर आप रात के टाइम में यूज करते हैं तो लाइट्स को काफी बेहतर सा दिखाते हैं, तो ये सब चीजें आप नाइट मोड में कर पाएंगे। स्लो मोशन वीडियोस की अगर आप बात करें तो उसका सपोर्ट भी आपको मोड के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि अगर आप स्लोमो सेट करेंगे तो यहाँ पर नोटिस करेंगे कि फ्रंट कैमरा में स्लोमो आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर कोई रेजोल्यूशन FPS चेंज करने के ऑप्शंस भी नहीं मिलते हैं। इस फोन में दोस्तों आप फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से भी शूटिंग कर सकते हैं, मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर को जब भी टैप करेंगे तो एक फोटो कैप्चर होगा, लेकिन उसको अनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाना होगा और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट शूटिंग का ऑप्शन मिलता है, इसको आपको यहाँ से एनेबल करना होगा। इसको अगर आप एनेबल रखेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ही इसके ऊपर टैप करेंगे एक फोटो जो है वो कैप्चर हो जाएगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।